आपने कार दुर्घटनाएं देखी होगी जहां एक कार दूसरी कार से टकराती है और पलट जाती है या ढलान आदि से गिर जाती है। आपने बाइक दुर्घटनाएं भी देखी होंगी। आप ट्रेन को पटरी से उतरने या आपस में आमने सामने टकराने के बारे में भी जानते हैं। विमानों के बारे में क्या? आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड के कुछ फिल्मों में प्लेन को बीच हवा में टकराते देखा होगा। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। वास्तविक जीवन में हवाई जहाज दुर्घटनाएं हुई है, लेकिन फिल्मों के विपरीत कोई हवा में टक्कर नहीं हुई है। असल जिंदगी में भी दो हवाई जहाजों के बीच हवाई टक्कर हुई है, मध्य हवा में टक्कर। हाँ, ये वास्तव में 12 नवंबर 2022 को अमेरिका के टेक्सास के दलास में हुआ था। दलास एग्जीक्यूटिव हवाई अड्डे पर एक एयर शो विंग्स ओवर डलास चल रहा था। एक दर्शक अपने मोबाइल पर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहा था। बड़ा P-17 एक बम वर्षक विमान है और P-63 किंग कोबरा एक छोटा लड़ाकू विमान है। मैं आपको बता दूं, इन दोनों एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया था। वे बहुत पुराने विमान थे और बेल एयरक्राफ्ट द्वारा बनाए गए थे। दोनों विमान लोकप्रिय है। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। B-17 विमान जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा था, जबकि P-63 किंग कोबरा बाई ओर से आया और B-17 के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दोनों विमान टुकड़े टुकड़े हो गए। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना का एक दर्शक ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लिया। अविश्वसनीय वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। B-17 की आखिरी बड़ी दुर्घटनाओं में से एक 2 अक्टूबर 2019 को अमेरिका के कनेक्टिकट में हुई थी, जब 7 लोगों की मौत हो गई थी। इतने मजबूत विमान कैसे क्रैश हो गए? कल्पना कीजिए कि इन विमानों का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था और अब इनमें दुर्घटनाएं और टक्करें हो रही है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। इस बीच एक अन्य खबर में 13 नवंबर 2022 को तुर्की में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। तुर्की के इस्तांबुल में व्यस्त शॉपिंग स्ट्रीट इस्तिकलाल में जोरदार धमाका हुआ। कई लोग जमीन पर पड़े थे। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। तुर्की के उपराष्ट्रपति ने कहा कि हो सकता है कि यह कोई आत्मघाती हमलावर हो जिसने हमला किया हो। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक महिला करीब 40 मिनट तक एक बेंच पर बैठी रही। और उसे विस्फोट से कुछ मिनट पहले ही उठते देखा गया। सरकार को शक है कि उसने बम लगाया होगा। आज 14 नवंबर 2022 को तुर्की सरकार ने घोषणा की कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि यह जानकारी नहीं है कि महिला को गिरफ्तार किया गया है या किसी और को। संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। कितनी दुखद बात है, 6 मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।